ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 22 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपने वो मैट्रिक में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा, ऐसी है ना। तो यहाँ पे इसकी बनावट आपको दिखाई जाएगी कि इसको कैसे बनाया कैसे जाता है, बेसिकली ये है क्या। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इन्वॉल्व है वो न्यूटन सेकंड लॉ है और साथ में हुक्स लॉ है। ये दो लॉ जो हैं ये इससे रिलेट कर रहे हैं जिनको हमने इसमें यूज़ करना है। हुक्स लॉ जो है आपके पास, उसका आपके पास सिंपल फार्मूला है कि एफ इज इक्वल के एस। ठीक है, जबकि एस जो है ये आपके पास इलोंगेशन है। ठीक है, इलोंगेशन है उसकी कि जितना हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है, उतना ही वो खींचता चला जाएगा, उसकी लेंथ जो बढ़ती चली जाएगी। जितनी हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ इज इक्वल के एस। ठीक है, ये आपके पास जो हुक्स लॉ है वो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लगाएंगे उतनी ही उसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल में आएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा एफ इज इक्वल के एस, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहलाता है। ये हमारे पास एक फार्मूला है हुक्स लॉ का। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ जो है, एक चीज ये चीज हमारे पास है एफ इज इक्वल एम ए। ठीक है, जब हम ग्रेविटी से अबव होकर डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को तो यहां पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन आ जाएगा एम जी, ए की जगह पर जी लिया जाए। ठीक है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, डब्ल्यू क्यू हमारा वेट कंसिडर होता है। ठीक है, अब एक आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बॉडी का मास जो है एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, अब इसकी जो ठीक है अटैच है स्प्रिंग स्ट्रेस्ड बाय एन अमाउंट एस एंड अटेन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन द वेट इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स के एस। अब ये देखो कि जब आप इसको स्ट्रेस करते हो, फोर्स लगाते हो, तो आपके पास एक फोर्स रिस्टोर हो जाती है, वो जब खुद ब खुद ये फिर एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल एल एम जी इज इक्वल के एस। यहाँ पे हम इसको लेंगे एम जी माइनस के एस और फिर
जितना उसका वेट है उसके अंदर बराबर हो, रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अंदर ऐड हो जाए। अब मास इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। या तो आप इसको एक्सपेंड करो या आप इसको स्ट्रेच करो। जितना भी आप इसको स्ट्रेच करोगे, फर्स्ट करो आपने ये स्ट्रेच किया एक्स पर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है यहाँ, अब आपका वेट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वो फिर पुश होगा, खुद ब खुद वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास, फर्स्ट करो आप उसको प्रेस करते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगी के इंटू एस प्लस एक्स, क्योंकि वो डिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड हो गया है, इलॉन्गेशन भी। सिंपल आपके पास पहले के एस, लेकिन जब उसको हमने पुश किया तो एस में वो डिस्टेंस भी ऐड हो गया, के एस प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इसको आपने एम जी माइनस के इंटू एस प्लस एक्स इसमें पुट कर दिया, ये आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जब हम चलेंगे, हमारे पास ये इक्वल है एम ए, फोर्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास रिजल्टेंट इक्वल था, रिजल्टेंट क्या है वो फोर्स है, ध्यान दीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन आएगी तो एक्सेलरेशन को आपने डिस्टेंस में कन्वर्ट करना, जब आप डिस्टेंस में उसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जो आपके पास बी है वो डी एक्स बाई डी टी है, और जो एक्सेलरेशन है वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी है, ये चीज। तो एक ही जगह पर हम एम डी एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल एम जी माइनस के इंटू एस प्लस एक्स, ये हमारे पास। अब यहां से क्या करेंगे, आप माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल एम जी माइनस के एस माइनस के एक्स। अब ऑलरेडी आपके पास जो एक इक्वेशन है एम जी माइनस के एस इज इक्वल जीरो, तो ये चीज इज इक्वल जीरो है, आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहां से आप m को डिवाइड करते हैं बहुत सारे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस के ओवर एम एक्स, यहां से फिर आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल जीरो। अब k बाय एम को यहाँ पे हम कोई दूसरा पैरामीटर ले कॉन्स्टेंट, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हो गया, ठीक है। जी फहद, क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन किसी जगह पर? अच्छा, अब इसमें जो इनिशियल कंडीशन लेनी है ना,
वो इस टाइप की आप लोगे, एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल अल्फा और एक्स प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल बीटा। एक्स प्राइम हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर डबल डेरिवेटिव है, तो हम सिंगल और सिंगल डेरिवेटिव की वो इनिशियल कंडीशन भी लेंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह जिस तरह के हमने प्रीवियस मेथड्स यूज किए हैं। आप इसके रूट्स फाइंड करोगे, रूट्स आपके पास ये आ जाएंगे, प्लस माइनस एटा ओमेगा, ठीक है। जब इसके रूट्स आ जाएंगे तब आप ये देखेंगे यहाँ पे अल्फा नहीं है, जस्ट बीटा है। तो अब c1 वन कॉस बीटा टी प्लस सी टू कॉस साइन बीटा टी। टी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता या y होता तो यहां पे हमने वही फंक्शन लेना था, ठीक है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया x का, वो ये आ गया। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसकी इक्वेशन का हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इससे हमारे पास C1 और C2 ये हमने सपोज किए, ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा, ए साइन फाई और ए कॉस फाई। जब हमने ये सपोज किए तो उसके बाद हमारे पास जो ए यहाँ से फाइंड हो जाएगा, जिस तरह वो हमने रिजल्टेंट होते हैं ना वेक्टर्स कंपोनेंट्स, उसके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये उस तरह लिए गए हैं, ठीक है। अब आपके पास f जो है उसमें f होता था, यहाँ पे a है, इन दोनों का स्केयर लिया जाए और उसका स्केयर रूट ले लिया जाए तो ये चीज a की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से tan phi भी आ जाएगा आपके पास, वहां पे tan phi होता है y बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा c1 वन बाई सी टू। क्लियर हो गया, ये पोजीशन का फार्मूला होता है, ये वाला टेन वाला। उसके बाद ये हमारे पास, जब हमने ये पुट किए तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बनी तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है तो इसको मैंने ए ही डिनोट कर लिया। बल्कि बी नहीं है यहां पर भी ए ही है, ये देखो ना ए कॉस फाइव, ये यहां पर मिस्टेक है, गड़बड़ हो गई, बी नहीं यहां पर ए ही है, ठीक है, ठीक है फहद। अच्छा अब ये देखो आपके पास, अब ये एक सॉल्यूशन जो है इस फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में सॉल्यूशन आया अब हम इसको आगे लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन जो है x इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास अब ये देखें साइन दिस वन एंगल इज आल्सो इज इक्वल टू जीरो, ये
जब साइन अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा एंगल इज इक्वल टू एन पाई, ये एन पाई के इक्वल आ जाता है क्योंकि ये देख लें जीरो कहाँ पे आ रहा है हमारा, या तो साइन जीरो जीरो होता है या तो साइन पाई जीरो होता है या तो साइन टू पाई जीरो या साइन थ्री पाई जीरो, इसलिए हम एंगल को एन पाई लिख लिया जाता है। और एन हमारे पास क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर अप टू फोर वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी नेचर पे जाएं, उसका एम्पलीट्यूड अगर हम फाइंड करें, एम्पलीट्यूड उसका ये हमने पहले ऊपर फाइंड कर चुकी है, ठीक है। उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फिर वाइब्रेशन ऑफ साइकिल, ये हमारे पास वाइब्रेशन हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ साइकिल ये हमारे पास क्या है, ए टू माइनस ए, क्योंकि उसका साइकिल जो है ना वो किसी भी स्प्रिंग का जो साइकिल होता है वो वहीं पे वो मूव करता रहता है, तो एक पोजीशन उसकी पॉजिटिव आती है, एक पोजीशन उसकी नेगेटिव होती है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन में हमने क्या काम करना है, हमने टू पाई इसमें ऐड करना है, ये इसका पीरियड होता है कि आप उसमें टू पाई ऐड करो तो फिर भी उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से डब्ल्यू टी और टू पाई इन दोनों में से आप ओमेगा कॉमन ले लो तो आपके पास टी प्लस टू पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वही रह वही हो गया क्योंकि ये सेम पीरियड के आ गए हैं, टी और टी प्लस टू पाई ओवर ओमेगा। अब आपने इसका उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये तो डिस्टेंस आपने फाइंड किया अभी एक्स है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप उसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। डेरिवेटिव लोगे आप, उसके बाद आप उसके ये उसकी वेलोसिटी आ गई, अब इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन तो फर्स्ट वाली है हमारे पास, लेकिन टी जो टाइम है, टी जो है टाइम पीरियड टू पाई ओवर ओमेगा के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एफएससी में ही हमें लिखा हुआ मिलता है कि टू पाई ओवर ओमेगा है, लेकिन ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है टू पाई ओवर ओमेगा से, क्योंकि उनसे ओमेगा जब हम कॉमन लेंगे तो टी प्लस टू पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी भी आ जाए तो फ्रिक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो जब इसके इनवर्स लेंगे तो ओमेगा ओवर टू पाई आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन है और ये उसकी इनिशियल कंडीशन है, इसके तहत आपके पास अल्फा और बीटा जो है वो 10 और 0 आपके पास आ गए। उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे हम, उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वैसे ही हमने उसके रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने के बाद आपने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके कॉन्स्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट है ये एक दो और एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और जो पहले हमने पढ़ा उसमें भी दो लेक्चर आ रहे हैं एक ही मेथड में, और इससे पहले हमने अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट वाला मेथड दिया था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी गालवन थ्री लेक्चर हैं मेरे ख्याल में, थ्री लेक्चर हैं उसमें उस मेथड में, ठीक है। तो होप फॉर बेस्ट लक, आपका ग्रैंड क्विज अच्छा हो।
और कोई क्वेश्चन आपका, अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। ठीक है, आपने सारे लेक्चर रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।